वहाँ साथ के इलाके में मुर्गे लड़ते हैं और यहाँ पे देखो मैं दो कुत्तों को लड़वा रहा हूँ। एक तो पता है क्या है और दूसरा पता नहीं क्या है, लाइक इनकी काइंड क्या है, जैसे एक असील होता है एक कुछ और होता है, पर यहाँ पे फन सिस्टम चल रहा है और पता नहीं ये लड़ना है, खेल रहे हैं, रेसिंग कर रहे हैं या एक दूसरे की बैंड बजा रहे हैं। ओह शिट, नाउ दैट वाज अनएक्सपेक्टेड। पड़ोस बिल्डिंग का कुत्ता भारी पड़ गया मेरे पे, साली नाक कटवा दी इसने, ऊपर से गंदी भी होके आ गई और मुझे भी गंदा कर दिया अब इसने। कल सुबह भी नहाया हूँ, कल रात में भी इसकी वजह से नहाया हूँ, और अब इसको भी नहलाऊंगा और फिर से खुद भी नहाऊंगा। भाई अब तक मैं कहता था कुत्ता पालना चाहिए अच्छी बात होती है, पर नहीं पालना चाहिए, सच बता रहा हूँ, ये दिल के अंदर की आवाज़ है। इसी के लिए मैं इंग्लिश साफ करूंगा इसके, उससे फर से, फिर मैं फिर से ट्राई करूंगा।失败。बेइज्जती करा दी इसने हर जगह। सबसे बुरी बात मेरे कपड़े भी गीले हो गए। क्यों मचल रही है, क्यों सारे कपड़े भी सड़ा दिए इसने? पालोगे कुत्ता? पालोगे? ये सब करना पड़ेगा, करोगे? निकल गई ना हवा, ऐसे ऐसे पोलियो हो गया हूँ मैं। बिहाइंड पालिंग अ कुत्ता मेहनत लगती है, देखो ऐसे इतनी आ जाती, क्यूट पिक्चर, रिच लाइफ, गुड लाइफ, स्वीट लाइफ, पोस्ट तो अच्छा बना रही है, प्यार आ रहा है इस पे। तो इतना आसान भी नहीं होता यार, ये बिहाइंड द सीन्स कुछ ऐसे होता है। कल ही नहलाया है इसको, लाइफ में पहली बार कुत्ता नहलाया है कल, और आज दूसरी बार भी अभी भी चाट रही है, अभी भी चाट रही है गली। काफ़ी बर्बादी के बाद बिजली के और वक्त की इसको हम पहुंचा देंगे इसके बिस्तर पर, जो करना। फिर आएगा भी देखना। Okay, okay. Okay.